आप सभी को नमस्कार। हम में से अधिकांश लोग हिडिंबा के बारे में इतना तो जानते हैं कि वह भीम की पत्नी थी और घटोत्कच की माता थी, लेकिन जो नहीं जानते हैं वह यह है कि हिडिंबा का पूरा जीवन कैसा था। वास्तव में हिडिंबा का पूरा जीवन करुणा और प्रेरणा से भरा हुआ था, लेकिन जितना दुख उसने देखा उससे कहीं अधिक आत्मसम्मान पूर्वक उसने अपने जीवन को जिया। और जब भगवान श्री कृष्ण के सामने वह मृत्यु को गले लगा रही थी तो उसके चेहरे पर वही आत्मसम्मान का गर्व झलक रहा था। तो क्या है हिडिंबा के जीवन की पूरी कहानी, आइए विस्तार पूर्वक इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। हिडिंबा एक राक्षसी थी, राक्षसी यानी राक्षस कुल में उत्पन्न कन्या। कहते हैं कि रावण ने इस कुल की स्थापना समाज में दबे कुचले तथा पिछड़े लोगों को मुख्य धारा के समान स्वतंत्रता दिलाने के लिए किया था, लेकिन उसके ही जीवन काल में राक्षस इतने संख्या में हो गए, इतने क्रूर हो गए कि लोकमानस में राक्षस शब्द ही एक अपशब्द का सूचक बन गया था। ऐसे में उस कुल में उत्पन्न किसी कन्या को कोई अच्छी कन्या क्यों कहेगा। हिडिंबा की माता एक भद्र महिला थी। उनके मन में हमेशा ही परोपकार से भरे ख्याल उठते। वे चाहती थीं कि लोक का कल्याण कर सकें, लेकिन वे एक राक्षसी थीं, इसीलिए मनुष्यों की तरफ से उन्हें कभी भी आदर प्राप्त नहीं हुआ। और चूंकि उनका मन कोमल था इसलिए अपने समाज के अंदर, राक्षस समाज के अंदर भी उन्हें कभी भी पूर्णतः वह इज्जत नहीं मिली जिसकी वह हकदार थीं। जब उनका पहला पुत्र हुआ तो पति ने उस पुत्र को तो बड़े प्रेम से अपना लिया क्योंकि वह उसका वारिस था, लेकिन उसने अपनी पत्नी को वह हक कभी नहीं दिया जिसकी वह वास्तव में अधिकारी थी। धीरे धीरे एक समय के बाद उनके गर्भ में फिर से जीवन के लक्षण प्रकट होने लगे। जब ज्योतिषियों ने इसके बारे में पता लगाया तो उन्होंने कहा कि आपके गर्भ में एक बालिका का आगमन हुआ है। माता यह सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने मन की सारी कोमल भावनाएं अपनी पुत्री में स्थापित करने की ठान ली। वे नहीं चाहती थीं कि इस पुत्री के पिता की क्रूर छाया इस पुत्री के व्यवहार पर पड़े, और इसीलिए वे यथासंभव अपने पति से और अपने समाज से दूर रहने का प्रयत्न करने लगी। जब गर्भ पूरा हुआ और जन्म देने का समय आया तो भी हिडिंबा की माता ने एक ऐसे जगह का चुनाव किया जहां पर निर्जनता थी। वे नहीं चाहते थे कि पुत्री के जन्म के समय कोई भी राक्षस उस तरफ रहे जिसका प्रभाव इसके जीवन पर पड़े या इसके संस्कारों पर पहली दृष्टि का प्रभाव पड़ सके, और इसीलिए उस निर्जन वन में उन्होंने अकेले ही अपने प्रसव को संपूर्ण करने की ठान ली। प्रसव का समय किसी भी स्त्री के लिए पीड़ादायक होता है और वहां उसे निर्जन में कोई सहारा भी नहीं था। कहते हैं कि हिडिंबा की माता ने उस निर्जन में एक ठूंठ को पकड़कर हिडिंबा को जन्म दिया। हिडिंबा के जन्म देते ही उस ठूंठ में से पल्लव निकल आए। इसे देखकर माता ने उस नवजात बालिका का नाम रखा पल्लवी, क्योंकि वह द्वापर का समय था और स्त्रियों का अपना अलग व्यक्तित्व नहीं माना जाता था, इसलिए पल्लवी नाम से उसे कोई नहीं बुलाता था। वह सदैव ही हिडिंब की छोटी बहन हिडिंबा रही। उसका अपना नाम उसके भाई के नाम से अर्थ पाता था। पल्लवी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। माता ने उसे तमाम तरह की शिक्षाएं दी तथा उसके मन में सदाशयता के बीज बो दिए। उसे परोपकार की बातें सिखाती और सच्चरित्रता के अंकुर उसके मन में बोती रहती थीं। लेकिन कहते हैं कि काल बड़ा क्रूर होता है। पल्लवी अभी 10 वर्ष की भी नहीं हुई थी कि उसकी माता का देहांत हो गया। पल्लवी के पास अपने पिता और अपने भाई को छोड़कर कोई भी सहारा नहीं बचा। पल्लवी बड़ी कुशाग्र बुद्धि की थी और राक्षसों में स्त्रियों को थोड़ी अधिक स्वतंत्रता दी जाती थी, इसलिए पिता ने पल्लवी को पढ़ने के लिए भेजा। अब चूंकि पल्लवी कुशाग्र बुद्धि की थी इसलिए जल्दी ही उसने आसुरी विद्या, राक्षसी विद्या, मायावी विद्या और वैद्यक विद्या आदि में महारत हासिल कर लिया। कालांतर में उसके पिता का देहांत हो गया और वहां का राजा बना उसका भाई हिडिंब। हिडिंब अपने पिता से भी अधिक क्रूर था। उसके मन में कहीं भी परोपकारिता की भावना थी ही नहीं। उसके मन में थोड़ी सी भी कोमलता नहीं बची थी। वह मनुष्यों से नफरत करता था, वह उन्हें कच्चा खा डालता था। पल्लवी का मन यह सब देखकर घृणा से भर जाता। वह यथासंभव अपने भाई को रोकने का प्रयास करती, लेकिन उसका भाई उसके वश में नहीं था। वह वहां का राजा था और पल्लवी
एक स्त्री थी, लेकिन उसका भाई पल्लवी को भी नहीं रोकता था, क्योंकि पल्लवी मायावी विद्या में इतनी प्रवीण थी कि वह अपने राज्य के संचालन को चलाने के लिए पल्लवी की सहायता चाहता था। इसलिए कभी कभी पल्लवी की कठोर बातों को वह सुनकर सह लेता। इसी तरह समय बीतता रहा, हिडिंब क्रूर से क्रूर होता गया और पल्लवी को समाज हिडिंबा के नाम से जानने लगा। उसे कभी भी यह नाम पसंद नहीं आया, लेकिन क्या करे, समाज जो नाम दे देता है वह तो चिपक ही जाता है। उसे लोग हिडिंबा के नाम से जानने लगे। पल्लवी नाम तो कब का भुला दिया गया। एक दिन उसके भाई ने उसके पास आकर खबर दी कि 5 हट्टे कट्टे नौजवान एक बूढ़ी स्त्री के साथ इस वन में पधारे हैं। वे सभी मनुष्य हैं और बड्ढे समय के बाद मनुष्य हमारे वन में आए हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें एक एक करके खाऊं, तो मायावी विद्या द्वारा उन्हें मेरे पास लाने का प्रयत्न करो। हिडिंबा अपने भाई की बातें यूं तो नहीं मानती थी, लेकिन जब वह जोर देता था तो उसके पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं रहता था। लेकिन उस दिन जब पहले पहल उसके भाई ने कहा तो उसने कहा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, तुम्हें उन्हें खाना है, तुम जानो तुम उन्हें कैसे खाओगे। यह कहकर हिडिंबा उस स्थान की तरफ चल पड़ी जहां उसका जन्म हुआ था। वह अक्सर ही ऐसे पलों में जब उसके मन में द्वंद्व होता था तो वहीं पर चली जाती। वहां उसे अपनी माता साक्षात प्रकट लगती थी। वह ठूंठ जो उसके जन्म पर पल्लव से भर गया था अब एक वृक्ष बन चुका था। पल्लवी वहीं पर विश्राम करती थी। उस शाम जब वह वहां पर पहुंची तो वहां पर देखा कि 5 पुरुष और एक स्त्री वहां बैठे हुए हैं। 4 पुरुष और वह वृद्धा स्त्री सोए हैं तथा एक हट्टा कट्टा पुरुष उनकी रखवाली कर रहा है। हिडिंबा यह देखकर क्रोध से भर गई। वह पेट डेच उसे माता के समान प्रिय था। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसकी छाया में बैठे। वैसे भी वह निर्जन रहता था और चूंकि राजकुमारी का प्रिय स्थल था इसीलिए कोई राक्षस वहां नहीं जाता था, लेकिन यह सभी उससे अनजान थे। आप अब तक समझ गए होंगे कि यह 5 पांडव थे और वह वृद्धा स्त्री उनकी माता कुंती थी और वे सभी जंगल में अपने निर्वासन के समय को व्यतीत कर रहे थे। तब तक द्रौपदी का स्वयंवर नहीं हुआ था, अर्जुन से और पांडवों से उसका विवाह नहीं हुआ था। लाक्षागृह से निकलने के बाद यह लोग भागे भागे से उस वन में आए और एक निर्जन स्थान को देखकर उस पेडी एच के नीचे विश्राम करने लगे। भीम पहरे पर बैठे थे और बाकी चारों भाई और माताएं निश्चिंत होकर सो रहे थे, क्योंकि भीम के रहते उन्हें किस बात का डर था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसमें आपका तो 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन हमारा चैनल इससे जीवंत बना रहेगा और सनातन के लिए किया गया हमारा प्रयास अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा। हम आपसे इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। अब आइए कहानी पर वापस लौटते हैं। तो उस वृक्ष की छाया में पांडवों को विश्राम करता देखकर हिडिंबा क्रोध से भड़क उठी। वह उन्हें जगाने के लिए तथा वहां से भगाने के लिए उनकी तरफ लपक पड़ी। उस समय वह भयंकर क्रोध से भरी हुई थी। जब वह उधर की तरफ बढ़ी तो उसके तथा पांडवों के बीच में अचानक ही एक शिला की तरह भीम आकर खड़े हो गए। भीम ने कठोरता से उसे पकड़ा और एक वृक्ष की तरफ लेकर चल दिया, क्योंकि भीम उसे पकड़े हुए थे और हिडिंबा ने भीम की देह दृष्टि पर जब नजर डाली तो वह मंत्रमुग्ध हो गई। भीम हालांकि कठोर स्थिति में थे, उनकी आंखों से क्रोध की चिंगारियां फूट रही थीं, लेकिन हिडिंबा पहली ही नजर में उनसे प्रेम कर बैठी थी। भीम हिडिंबा को पकड़कर एक तरफ ले गए ताकि उनके भाइयों और माता के नींद में खलल न पड़े। वहां ले जाकर उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, तुम हमें क्यों मारना चाहती हो। हिडिंबा उन्हें बड़े प्रेम से देख रही थी। भीम उसको इस तरह देखता देख लजा गए। उन्होंने भी पहली नजर हिडिंबा पर डाली। हिडिंबा राक्षसी थी लेकिन बहुत सुंदर थी। उसका रूप अपने आप में ही एक अप्सरा से अधिक था। वह एकदम कमनीय स्त्री लग रही थी। अभी उसका यौवन ताजा ही ताजा था। भीम भी उसे देखकर मोहित हो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में गुस्सा भी था कि यह स्त्री बिना कारण हमें क्यों मारना चाहती है। जब उन्होंने हिडिंबा से इस बारे में कठोरता से पूछा तो हिडिंबा ने मुस्कुराते हुए पूरी कहानी बता दी और कहा कि यह मेरा स्थान है।
मेरे स्थान पर कोई विश्राम करेगा तो मैं यह कैसे सहन करूंगी? भीम ने कहा कि यह निर्जन वन है। वन किसी एक का नहीं होता, वन सबका होता है। जो जहां पर है वहीं उसका हिस्सा है। हिडिंबा ने कहा कि यह वन चूंकि मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी इस स्थान से मेरी माता की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं भाव से विह्वल हो गई। क्या आप लोग वे पांच प्राणी हैं जिसकी बात मेरा भाई कर रहा था? भीम ने कहा। तुम्हारा भाई कौन है? इस पर हिडिंबा ने कहा कि मेरा नाम हिडिंबा है और मेरे भाई का नाम हिडिंब है। भीम की आंखें खुल गईं। उन्होंने कहा कि अच्छा, तो तुम राक्षस हिडिंब की बहन हो, तब तो तुम भी उसके जैसे क्रूर होगी। हिडिंबा ने यह सुना तो उसका मन आहत से भर गया। उसने कहा कि तुम भाई के व्यक्तित्व से मेरे व्यक्तित्व की तुलना क्यों कर रहे हो? मैं एक अलग व्यक्तित्व हूं, मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूं। क्या स्त्री होने के नाते मेरा अपना कोई गुण नहीं है? यह सुनकर भीम ने कहा कि लेकिन जिस तरह तुम मेरे भाइयों और माता पर झपटी थी, यह देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम भी अपने भाई की तरह क्रूर हो। तब हिडिंबा की बड़ी बड़ी आंखों से आंसुओं की दो बूंदें टपक पड़ी। स्त्री की आंख में आंसू पुरुष को पिघला देने के लिए काफी होते हैं। हिडिंबा ने कहा कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि उस स्थान से मेरी माता की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। तुम फिर भी नहीं समझ रहे हो, भीम ने कहा। मैं समझ रहा हूं, अब तुम जा सकती हो। हिडिंबा वहां से चली गई और उसके मन में भीम के प्रति स्नेह उमड़ गया। इधर भीम भी इस प्रथम दृष्टि के प्रेम प्रभाव से उबरे नहीं थे। वे वहां रात में पहरे पर बैठे रहे और बार बार उनकी आंखों के सामने हिडिंबा की आंखों के वे आंसू झलमला आते हुए दृष्टिगोचर होते रहे। अगले दिन फिर शाम हुई। शाम के समय हिडिंबा वहां पर आई। भीम से उसने वार्तालाप किया। दोनों ने प्रेम का इजहार किया और भीम ने कहा कि मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूं, लेकिन मैं विवश हूं। मैं अपनी माता की आज्ञा के बिना किसी भी स्त्री से संबंध नहीं बना सकता हूं, इसलिए तुम मुझे क्षमा करना। लेकिन फिर भी चूंकि मैं प्रेम करता हूं, इसलिए मैं तुमसे कह देता हूं, ताकि बाद में मेरे मन में निराशा न रहे कि मैंने प्रेम को व्यक्त नहीं किया था। हिडिंबा ने कहा कि मैं भी तुमसे प्रेम करती हूं, लेकिन एक दिक्कत है। मैं तुमसे प्रेम व्यक्त भी कर सकती हूं और प्रेम का प्रस्ताव तुम्हारी मां के सामने लेकर भी जा सकती हूं, लेकिन मेरा भाई तुम लोगों को खाना चाहता है और वह जल्द ही तुम पर आक्रमण करेगा। मैं इसी दुविधा में हूं कि मैं क्या करूं। इतना सुनने के बाद भीम ने कहा कि इसमें फिर दुविधा की क्या बात है? वह तुम्हारा संबंधी है, तुम उसका पक्ष लो, लेकिन मैं अपने संबंधियों की रक्षा करूंगा। अगर तुम्हारा भाई हमारे पास आएगा तो मैं उसे मार डालूंगा। तुम इसके लिए मुझे क्षमा करना। तब हिडिंबा ने भीम की आंखों में पूरे विश्वास के साथ देखते हुए कहा, संबंधी हो या भाई हो या पिता हो, अगर वह क्रूर है, अगर वह समाज के लिए गलत है, तो उसे गलत मानना ही चाहिए। न्याय के लिए अपने बंधु को भी दंड देना अधर्म नहीं, धर्म है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे भाई का नाश कर दो और यहां के राज्य का संचालन अपने हाथ में ले लो, भीम ने कहा। यह कैसे संभव है? इस पर हिडिंबा ने कहा कि निकुम्भला देवी की पूजा करने के लिए वह तुम्हारी बलि देना चाहता है। इसमें एक दिन का समय बाकी है। अगले दिन पूर्णिमा है और उस दिन वह अवश्य ही तुम पर हमला करेगा। तुम उस दिन उसे मार देना। हालांकि वह मायावी विद्या में पारंगत है, लेकिन मैं इस विद्या में उससे कहीं अधिक तेज हूं, इसलिए जब वह तुम पर माया का प्रयोग करेगा तो उसके माया को मैं काट दूंगी। शारीरिक बल में तुम उससे जीत तो जाओगे ना? भीम ने कहा कि तुमने अभी मेरा बल कहां देखा है? वह कल युद्ध भूमि में देख लेना। हिडिंबा खिलखिलाती हुई वहां से चली गई। अगले दिन तय समय पर हिडिंबा ने आक्रमण किया। भीम ने डटकर उसका मुकाबला किया। वह एक समय तो अपनी तामसिक विद्या के द्वारा भीम पर भारी भी पड़ने लगा, लेकिन तत्काल ही हिडिंबा ने अपने तेज से उसके विद्या को काट दिया। और फिर जब केवल शारीरिक बल का युद्ध हुआ तो भीम के सामने हिडिंब कितनी देर ठहर सकता था? भीम ने हिडिंब का वध कर दिया। हिडिंब बड़ा ही क्रूर था, उसकी जनता भी उससे त्रस्त रहा करती थी। वह स्त्रियों को कभी भी इज्जत नहीं देता और लोगों के साथ लूट खसोट ही करता था। जब भीम ने उसका वध किया तो वहां की जनता भीम की जय जयकार कर उठी। वे सभी भीम को अपना राजा मान चुके थे।
उसके बाद हिडिंबा कुंती के पास गई और वहां पर उसने भीम के साथ अपने प्रेम की बात बताई और भीम से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। कुंती न केवल माता थीं, बल्कि वे एक राजमाता थीं। उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि अपने वन भटकते हुए बेटों को किस तरह से उनका अधिकार दिलाएं। ऐसे में वे जानती थीं कि यदि पांचों बेटे अलग अलग शादियां करके अपना घर बसाने लगेंगे तो उनका एकत्व बिखर जाएगा, वे टूट जाएंगे और फिर उनका सपना हस्तिनापुर को जीतने का सपना सपना ही रह जाएगा। अपने पति का वह सिंहासन, जिसको कि उनकी बीमारी ने उनसे छीन लिया था, फिर कभी कुंती को मिल नहीं पाएगा। कुंती इन सब बातों को जानते हुए हिडिंबा से कहती हैं कि मैं भीम के प्रेम के महत्व को जानती हूँ, मैं प्रेम को स्वीकार करती हूँ, मैं उसे तुमसे विवाह करने की अनुमति भी दे दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें कुलवधु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती हूं, क्योंकि हम आर्य हैं और तुम राक्षसी हो, एक आर्य की कुलवधु राक्षसी हो, यह समाज को स्वीकार नहीं होगा और मुझे अपने बेटों को हस्तिनापुर का राजा बनाना है, इसके लिए समाज उनके पक्ष में रहे, यह बहुत ही आवश्यक है। यह सुनकर हिडिंबा तिलमिला गई। उसने माता कुंती से पूछा कि आर्यों की स्त्रियों और राक्षसियों के बीच में ऐसा क्या अंतर है जिसे आप हमें कुलवधु का स्थान नहीं दे सकती हैं। तब माता कुंती ने कहा था कि राक्षस यहां अनेक विवाह करते हैं, वे अनेक पति रख सकते हैं, लेकिन आर्य स्त्री सिर्फ एक पति रखती है। तब हिडिंबा ने व्यंग में भरकर कहा कि यदि स्थिति ऐसी आ जाए कि माता तो आप स्वयं से किसी आर्य स्त्री को बहुत पतियों के साथ विवाह करने की अनुमति दे सकती है। हिडिंबा अपने हृदय में बहुत ही सुरक्षित थी। शायद उसी की बात कुंती के अंदर घर कर गई और बाद में द्रौपदी को यह अभिशाप मिला या वरदान मिला, जो भी आप कह लें कि वह अनेक पतियों की पत्नी बनी। हिडिंबा प्रेम में थी, उसने माता कुंती की हर एक बात को स्वीकार कर लिया, भीम से उसने विवाह किया। वह जानते थे कि जब तक वनवास का समय है तभी तक भीम उनके पास हैं, वह कभी कुलवधु नहीं बन पाएगी, लेकिन वह चाहती थी कि जितने भी समय भीम उसके पास रहें वह अपने जीवन को संपूर्णता से जिए। उसकी करुणा का कोई अंत नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि वह जिससे प्रेम करती है वह तुरंत ही चला जाएगा, लेकिन फिर भी वह टूटकर प्रेम करती है। एक आत्मसम्मान से भरी हुई स्त्री अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर अपने प्रेम को पाती है, प्रेम के लिए अपने आत्मसम्मान का बलिदान करती है, लेकिन वह जानती है कि यह सब करने के बावजूद वह प्रेम को सिर्फ कुछ क्षणों के लिए ही पा सकती है, पूरे जीवन के लिए नहीं। भीम और हिडिंबा का प्रेम परवान चढ़ता रहा। वनवास का समय पूरा होने में अभी वक्त था। वहां पर समय व्यतीत करते हुए हिडिंबा के गर्भ में एक जीवन की भी संरचना हुई। कालांतर में एक बच्चा हुआ जिसके सर पर कोई बाल ही नहीं था। उसका सर ऐसा लगता था जैसे उल्टा हुआ गड्ढा हो घाट, उत्कर्ष कच्छ होता है। बाल उस लड़के का नाम घटोत्कच इसीलिए रखा गया क्योंकि घड़े जैसा घटके जैसा उसका सिर था और उस पर कोई भी कच्छी या बाल नहीं थे, इसीलिए उस बालक का नाम हुआ घटोत्कच। घटोत्कच अभी मुश्किल से अपने पिता को पहचान ही पाता कि वहां से पांडव चले गए और जंगल में बच गई तो सिर्फ हिडिंबा और उसका पुत्र। हिडिंबा जानती थी कि यह विवाह लंबा होने वाला है, लेकिन उसके हृदय में कहीं एक बात यह थी कि भीम उसे प्रेम करते हैं, भीम जरूर समय समय पर उसकी खबर लेंगे, लेकिन भीम राजनीति में उलझे हुए थे, उनके सामने बहुत लक्ष्य थे, वह हिडिंबा को एक तरह से भूल ही गए। फिर उड़ते हुए खबर मिली हिडिंबा को कि पांच पतियों की पत्नी द्रौपदी हो गई हैं, भीम भी द्रौपदी से प्रेम करने लगे हैं और फिर द्रौपदी के चीरहरण का वह हृदय विदारक प्रसंग सुना हिडिंबा ने। पहले तो उसका मन पांडवों के प्रति क्रोध से भर गया कि कैसे धर्मराज अपनी स्त्री को दांव पर लगा सकते हैं, फिर द्रौपदी की पीड़ा उसके मन में फैलती चली गई, लेकिन जब कुछ दिन और बीते तो उसके मन में फांस की तरह सिर्फ एक बात चुभती रही, वह थी भीम की प्रतिज्ञा। भीम द्रौपदी के प्रेम में पड़े हुए थे, वे हिडिंबा को भूल गए थे, हिडिंबा द्रौपदी से कोई भी सौतियां डाह नहीं रखती थी, लेकिन भीम का प्रेम, उसको ना मिलना उसे हमेशा से खलता रहा। जब दोबारा पांडव वनवास में गए तो उस समय द्रौपदी भी उनके साथ थी, तब भीम को अपने पुत्र घटोत्कच की याद आई। कारण था
हिमालय को पार करने के लिए उन्हें मायावी शक्तियों की जरूरत थी और इसलिए उस घने वन प्रदेश और कटीले पर्वतों से भरे हुए मार्ग को पार करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र घटोत्कच को बुलाया। लेकिन उस समय भी महाभारत में जिक्र आता है कि उन्होंने हिडिंबा का कहीं भी नाम नहीं लिया, न ही हिडिंबा के नाम कोई संदेश भेजा। हिडिंबा अपने हृदय में जलन महसूस करती हुई और भी गल गई। घटोत्कच अपनी माता के पास आज्ञा लेने के लिए जाता है। घटोत्कच ने कहा कि माता, अगर आप नहीं कहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हिडिंबा जानती थी कि घटोत्कच अपने पिता को बहुत प्रेम करता है। वह आज्ञा देगी तो घटोत्कच रुक तो जाएगा, लेकिन उसका हृदय इस स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए हिडिंबा ने बाहर से हंसते हुए और अंदर से जार जार आंसू बहाते हुए अपने पुत्र को वहां जाने की अनुमति दे दी। उसके बाद फिर भीम उन्हें भूल गया और भीम को दोबारा अपने पुत्र की याद आई। महाभारत के युद्ध में तब तक घटोत्कच का विवाह अहलावत से हो चुका था और उसके तीन पुत्र भी हो गए थे। बर्बरीक, अंजन प्रवाह और मेघवर्ण घटोत्कच अपने पुत्र अंजन पर्वत के साथ उसे युद्ध में भाग लेने के लिए गया और कर्ण के हाथों मारा गया। यह खबर आप जानते ही होंगे। फिर अपनी माता से अनुमति लेकर बर्बरीक वहां पर गए और बर्बरीक की कथा भी आप जानते हैं कि किस तरह कृष्ण जी ने उनका गला काट दिया। घटोत्कच का पुत्र अंजान प्रवाह अश्वत्थामा के हाथों मारा गया। अंत में जब युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर हिडिंबा एक बार फिर युद्ध भूमि में जाती है। वहां पर उसने द्रौपदी को अपने गले से लगाया, फिर भीम की तरफ रुष्ट भरी नजरों से देखा और अपने पुत्रों की लाशों को अपने सीने से चिपटाकर रो पड़ी। अंततः वह कृष्ण के पास गई। कृष्ण ने पहली बार उसे पल्लवी के नाम से पुकारा। हिडिंबा, जो खुद ही अपना नाम भूल चुकी थी, उसका पल्लवी के नाम से पुकारा जाना अंदर तक आह्लादित कर दिया। कृष्ण ने कहा कि पल्लवी, तुम देवी हो, तुम इस जगत में देवी के रूप में पूजी जाओगी। और दोस्तों, आज भी उत्तराखंड में हिडिंबा देवी का मंदिर है और वहां पर हिडिंबा देवी की पूजा होती है। लेकिन फिर पल्लवी के मन में जीने की इच्छा समाप्त हो चुकी थी। उसने कृष्ण से कहा, कृष्ण मुझे मुक्ति दीजिए। और फिर कहते हैं कि हिडिंबा अपने अंदर की अग्नि को प्रज्वलित करके उस अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देती है और श्री कृष्ण में विलीन हो जाती है। तो यह थी हिडिंबा की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी। जैसी भी लगी वह कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।